चुका हूं आपके सामने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के, जो सीधे तौर पे पैट स्पेशल टारगेट को ध्यान में रख करके ये क्लास दोस्तों बनाई गई है। ठीक है, तो आज के आप देख पा रहे हैं मैंने व्हाइट बोर्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया हुआ है और मैं एक एक करके इन सभी को मैं डिकोड करूंगा और विश्वास मानिए हर एक एक बात की कोई ना कोई डिटेल जरूर मिलेगी आपको। इसलिए विश्वास मानिए दोस्तों, हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक एडवांस में पीईटी के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से भैया सेशन से जुड़ रहे हैं, कमेंट करके बताइए क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। इसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोग करेंगे। क्या बात है, जुड़ने शुरू हो गए हैं बच्चे। आदेश कुमार, यस गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। जल्दी से कंफर्म करिए क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं। उसके बाद आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। क्या बात है, आ गए हैं धुरंधर निश्चित रूप से। बहुत सुंदर प्रयास, बहुत सुंदर प्रयास। कॉपी पेन लेकर के आप लोग तैयार हो जाइए, मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आदेश आ गए हैं और अच्छा कंफर्म कर दिया है आपने, चलो बहुत सारे बच्चे जुड़ने शुरू हो गए हैं। जस्ट ए मिनट, मैं भी क्लास को सेट कर दूँ एक बार। भाई लोग शेयर वेयर कर देना फटाफट, बहुत सुंदर बात ये रही क्लास। ओके चलिए, पैट स्पेशल स्पेशल क्लास और ये रही बात। ठीक है, एक मार्कर था यहाँ पे। चलिए कंफर्म कर दिया है आपने, आवाज पहुंच रही है आप तक। मैं थोड़ा स्कोर सेट कर देता हूँ और चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं, निश्चित रूप से काफी इंपॉर्टेंट बातें आज की होंगी। चलिए बच्चों आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्ट करे हैं। दोस्तों नीचे शेयर की बटन आ रही है, ज्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और बच्चे लोग सेशन को ज्वाइन कर पाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चों, लिखा हुआ है काटो एवं जलाओ। ठीक है, काटो एवं जलाओ क्या है, तो प्यारे भैया मैं आपको बता दूं, आपका जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत में एक विशेष प्रकार की खेती की जाती है जिसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। ठीक है, तो जब स्थानांतरित खेती की बात करें, माने अभी इस बार हुई है, अगली बार कहीं और, अगली बार कहीं और, इसलिए उसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। स्थानांतरित कृषि के रूप में इसको जाना जाता है। और अगर मैं अगली बात कहूं तो आपको दिमाग में आ जाएगा, इसे झूम खेती के रूप में भी जाना जाता है, जो स्पेशली नागालैंड आदि राज्यों में होती है। इस बात पे ध्यान रखेंगे तो स्लैश एंड बर्निंग माने काटो एवं जलाओ के रूप में उसको जाना जाता है। तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में होने वाली जो कृषि की पद्धति है, जो सीधे तौर पे जनजातियों के द्वारा होती है, प्यारे भैया ध्यान रखने वाली बात है, कृषि की पद्धति है, खेतीबाड़ी का एक प्रकार है जिसे झूम खेती के रूप में जानते हैं। इस बात पे गौर करेंगे। ठीक है, अगली बात दोस्तों करते हैं। लिखा हुआ है सोनोरा 64। जब बात सोनोरा 64 को बच्चों करते हैं तो सीधे तौर पे सोनोरा 64 का भैया जी मतलब है कि आपका भारत में हरित क्रांति के दौरान, ठीक है, भारत में हरित क्रांति के दौरान एक महत्वपूर्ण जो है हाइब्रिड प्रजातियों का प्रयोग किया गया था। इसमें आपका कौन सा था, सोनोरा 64 और लार्मा रोजो, ये हाइब्रिड प्रजातियां हैं सीधे तौर पे गेहूं की, माने अधिक उन्नत किस्म की फसलों का प्रयोग किया गया भारत में हरित क्रांति के दौरान। यहाँ दो से तीन सवाल बनते हैं, वो है आपके भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, प्यारे से भैया एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, माने मनकाम्भू संबाशिवन स्वामीनाथन के रूप में इनको जाना जाता है। इस बात पे गौर करेंगे, यहाँ दोस्तों जानना जरूरी है। बात अगर मनकाम्भू संबाशिवन की करें तो विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग महोदय को माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। जब बात आती है हरित क्रांति की, पेरिस भैया, तो 1966-67 के दौरान यह हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी भारत में। इस बात पे गौर करेंगे। ठीक है, तो ये होगी बात हरित क्रांति की। और कल जब मैं लाइव आया था तो मैंने आपको जानकारी दी थी, वो ये था कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका एम एस स्वामीनाथन साहब को ही दी गई थी। मैं एम एस स्वामीनाथन माने मनकाम्भू संबाशिवन स्वामी जी की बात कर रहा हूं। मन से चीजों को पढ़ते जाइए। और ग्रीन रिवॉल्यूशन और हरित क्रांति जो शब्द दिया था, वह सीधे तौर पे दोस्तों किसने दिया था, ये जानना जरूरी है।
वो है आपके मिस्टर विलियम गॉड महोदय ने दिया था, ये होगी बड़ी जरूरी बात। दोनों बातें मैंने कर ली हैं, अब हम शिफ्ट करते हैं पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, तो बच्चों पाक जल डमरू मध्य को अंग्रेजी में कहते हैं पाक स्ट्रेट। और जब बात पाक जल डमरू मध्य की करें, मैं छोटा सा चित्र बता के अगर मैं बताऊं आपको, तो ऊपर आप देख रहे हैं ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, और नीचे की बात करेंगे तो जो देश है वो श्रीलंका है। माने भारत और श्रीलंका के मध्य में जो स्थित है वो है पाक जल डमरू मध्य। इस बात को ध्यान रखेंगे, कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, पाक का मतलब पाकिस्तान से जोड़ते हैं, जो कि गलत है। पाक का संबंध पाकिस्तान से नहीं है, पाक जल डमरू मध्य का जो मतलब है वो सीधे तौर पे इन दोनों के बीच में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मिस्टर आकाश आ गए हैं, यस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सेशन को ज्वाइन करिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और बच्चे लोग सेशन को ज्वाइन कर पाए। और मैं आपको बता दूं कि आज 8 अक्टूबर को रात को 9 बजे लाइव आकर के भारतीय संविधान पे करेंगे इंपॉर्टेंट चर्चा, इस बात पे गौर करना है। और वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं इस बात के लिए, आज भारत में मनाया जा रहा है 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, 8 अक्टूबर को हर साल दोस्तों मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। और इस बार माने 2022 में जो दिवस मनाया जा रहा है प्यारे सुभैया, वो सीधे तौर पे 90 नंबर का है। मैं 90 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस बार 90 नंबर का भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। प्रश्न उठता है क्यों है खास इस बार का भारतीय वायुसेना दिवस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नई दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र जो हिंडन हवाई अड्डा, जिसको हिंडन एयर बेस कहते हैं, जो गाजियाबाद में स्थित है, वहां पर हर साल इन कार्यक्रमों का माने भारतीय वायुसेना का जो फ्लाइट पास्ट है वो किया जाता था, कार्यक्रम आयोजित होते थे, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई सारे लोग आते थे। यहां दोस्तों जानना जरूरी है कि पहली बार दिल्ली से बाहर इस कार्यक्रम का आज के दिन आयोजन हो रहा है, और वह चंडीगढ़ क्षेत्र में, माने चंडीगढ़ में दोस्तों आयोजित हो रहा है 90 नंबर का भारतीय वायुसेना दिवस। इस बात पे गौर करेंगे, चंडीगढ़ में स्थित है सुखना झील, और उसी सुखना झील के आसमान में दोस्तों मंडराएंगे भारतीय वायुसेना के गौरवशाली ढेर सारे जो विमान हैं, युद्धक विमान हैं, वो वहां उड़ते हुए नजर आएंगे। विश्वास मानिए, उसकी जो कड़कड़ाहट है वो दुश्मन देश पाकिस्तान तक जब पहुंचेगी ना, विश्वास मानिए भारत का कद बड़ा होगा। निश्चित रूप से हैट्स ऑफ एंड जय हिंद करता हूं भारतीय वायुसेना को, सीधे तौर पे उन जवानों की वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। यह दोस्तों जानना जरूरी है, भारतीय वायुसेना प्रमुख के रूप में किसको जाना जाता है, वो है इस समय मिस्टर वीआर चौधरी, माने एयर चीफ मार्शल, माने वर्तमान में भारतीय वायुसेना प्रमुख जिनको एयर चीफ मार्शल बोलते हैं पैरिस भैया, वो मिस्टर वीआर चौधरी है। इस बात को ध्यान रखेंगे, और ये हो गई बड़ी जरूरी बात। लेकिन ध्यान से रखना है, भारतीय वायुसेना की अगर हम बात करें तो वायुसेना की जो स्थापना हुई है वह 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसी आधार पर 90 नंबर का ये दिवस मनाया जा रहा है, इस बात पे गौर करेंगे, ठीक है। मैं बढ़ता हूं अगले सवाल पे। दोस्तों लिखा हुआ है 24 डिग्री, ठीक है। 24 डिग्री अपने आप में इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। बात अगर करें तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वह किन दो देशों के मध्य में विवादित है प्यारे सुभैया, वह सीधे तौर पे विवादित है। सोचिए सोचिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य में गुजरात के कच्छ जो सर क्रीक क्षेत्र है, गुजरात के कच्छ में जो सर क्रीक क्षेत्र है, वहां से ठीक ऊपर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, जो सीधे तौर पे भारत और पाकिस्तान के मध्य में विवादित है। और विवादित होने की जो मुख्य वजह है वो यह है, क्योंकि बीच में जो क्षेत्र है वो आपका दलदली क्षेत्र है, और पानी में दलदली क्षेत्र में सीमा का निर्धारण कुशलतापूर्वक नहीं हो सकता। इस आधार पे ये सीमा अक्सर जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ये विवादित रहती है। कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर हम बात करेंगे ग्लोब की तो बीच में हो गया भूमध्य रेखा, ऊपर है कर्क रेखा, नीचे है मकर रेखा। अगर हम ऊपर की बात करेंगे तो हम इसको कहते हैं क्या, माने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 में आधा जोड़ दें तो ऊपर हो जाएगा 24, और यही 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य में विवादित है। इस बात पे गौर करेंगे, इंपॉर्टेंट चर्चा क्लास की हो रही है। विश्वास मानिए पीईटी की एग्जाम में आपको बेस्ट महसूस होगा, बस सीधे तौर पे चीजों को तैयार करना है। रजत कुमार जय हिंद, और विपिन साकिया जुड़ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा घुमा दीजिए, जिससे और बच्चों तक ये सेशन पहुंच पाए, ठीक है। बढ़ते हैं अगली बात पे प्यारे से। दोस्तों
जब बात करते हैं बैरन द्वीप की, इंपॉर्टेंट बात चल रही है पेरिस भैया, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ना एक्टिव वाल्केनो है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। इंपॉर्टेंट बात, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, मैं बैरन द्वीप की बात कर रहा हूं। आगे बात करते हैं रायसीना की पहाड़ी। दोस्तों अगर हम रायसीना की पहाड़ी की बात करें तो सीधे तौर पे ये हिस्सा है अरावली पर्वत श्रृंखला का, इस बात पे गौर करेंगे। और जब बात करते हैं सीधे तौर पे रायसीना की पहाड़ी तो ये नई दिल्ली में स्थित है और इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर दोस्तों बना हुआ है, सोचो क्या बना हुआ है, वो है आपका वो आपका बना हुआ है भारत का राष्ट्रपति भवन। और उसी राष्ट्रपति भवन पे हमारे देश के पहले नागरिक माने वर्तमान की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी निवास करती हैं, इस बात पे गौर करेंगे। माने ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, तो आंसर विल बी सोचो सोचो राष्ट्रपति भवन के रूप में इसको जानते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, रायसीना की पहाड़ियां। ठीक है, बढ़ते हैं अगली बात पे। दोस्तों लिखा हुआ है 10 डिग्री। ठीक है, जब बात 10 डिग्री की आती है तो बच्चों आपको पता होगा 10 डिग्री जो चैनल है वह सीधे तौर पे अंडमान निकोबार को अलग करता है। माने दोस्तों ये रहा अंडमान, ये रहा निकोबार, और बीच में जो लाइन जाती है वो है 10 डिग्री चैनल की। प्यारे से भैया 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है, ऊपर है अंडमान नीचे निकोबार, माने अंडमान निकोबार को अलग करता है। तो इंपॉर्टेंट बात चल रही है, मस्ती के साथ सेशन को ज्वाइन करना है, पढ़ते जाना है और सीखते जाना है। ठीक है, यहां पर एक बार सवाल पूछा गया था कि अंडमान निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन इसको घुमा के भी पूछा जा सकता है। और जब बात घुमाने की भैया जी करेंगे तो सीधे तौर पे बात तैयार होती है कि आपका ऊपर है लिटिल अंडमान, कहां यहां पर है लिटिल अंडमान, और नीचे है कार निकोबार। तो अंडमान माने लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करने की जो व्यवस्था है वह सीधे तौर पे क्या कहलाती है, वो है आपका 10 डिग्री चैनल। इंपॉर्टेंट बात चल रही है, पहली बार आने वाले सभी साथियों को दिल से कर रहा हूं स्वागत। आज रात को 9 बजे लाइव आऊंगा, सीधे तौर पे इंडियन पॉलिटी माने भारतीय संविधान पे आधारित स्पेशल क्लास होगी, आज बहुत मजा आएगा, तो जरूर ज्वाइन करना है, हताश निराश नहीं होना है, पैट स्पेशल क्लास होगी सीधे तौर पे आपके सिलेक्शन के लिए। बढ़ते हैं अगली बात पे। दोस्तों लिखा हुआ है, दोस्तों ये सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं, लिखा हुआ है शांत घाटी। दोस्तों जब शांत घाटी की बात करते हैं तो अंग्रेजी में कहते हैं साइलेंट वैली। तो प्रश्न होता है शांत घाटी कहां पर है, पेरिस भैया जो शांत घाटी है वो है आपकी केरल में। जब बात केरल की करेंगे तो पश्चिमी घाट, आपको पता है कि भारत का जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है वहां सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, सबसे ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है। और ये दोस्तों जानना जरूरी है, अगर बात जैव विविधता की करेंगे तो सीधे तौर पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम लोग कर रहे हैं कि अगर बात जैव विविधता की करें तो पश्चिमी घाट क्षेत्र में सबसे ज्यादा, और पश्चिमी घाट का दक्षिण का हिस्सा कहलाता है साइलेंट वैली, शांत घाटी कहलाता है। और जब शांत घाटी की बात करेंगे सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी भारत में यहीं पर दर्ज होती है, इस बात पे गौर करेंगे। शांत घाटी या साइलेंट वैली एक ही बात है। अगर हम मैप के माध्यम से थोड़ा सा आपको इंडिकेट करें तो पेरिस भैया ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, और ये वाला जो हिस्सा है वेस्टर्न वाला ये पड़ता है पश्चिमी घाट, और इसी पश्चिमी घाट का जो दूसरा नाम है वो कहते हैं सह्याद्री की पहाड़ियां, इस बात पे गौर करिए। आगे चल के ऐसे एक दो सवाल आपको आज की क्लास में और मिल जाएंगे, तो मन से पढ़ते जाइए। तो ये पश्चिमी घाट है बच्चों, पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री की पहाड़ियां कहते हैं, और सह्याद्री की पहाड़ियों के नीचे की तरफ जो केरल वाला क्षेत्र है यहीं पर स्थित है शांत घाटी। मैं साइलेंट वैली की बात कर रहा हूं, यहां पर 1973 में साइलेंट वैली नेशनल पार्क माने शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, इस बात पे गौर करेंगे। मैं बात कर रहा हूं साइलेंट वैली केरला की। बढ़ते हैं अगली बात पे बच्चों, लिखा हुआ है 49वां माने 49th माने 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा भैया कहां पर है, तो जानना जरूरी है 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा का जो विस्तार है वह ऊपर कनाडा नीचे अमेरिका के मध्य में है। मैप के माध्यम से अगर मैं थोड़ा सा इंडिकेट करूं तो प्यारे भैया ये मैंने बनाया है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है अलास्का वाला क्षेत्र, ये वाला हिस्सा है कौन सा, ये बाउंड्री है, और ये बाउंड्री ऊपर जो है कनाडा नीचे अमेरिका। तो बच्चों यहाँ पर ये जो 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा है वो एक प्रकार से समानांतर सीमा रेखा है जो कि कनाडा और अमेरिका के बीच में इसका निर्धारण करती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात माने 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा कनाडा और अमेरिका के मध्य सीमा विभाजित करती है, इस बात पे गौर करेंगे।
आगे लिखा हुआ है फिंगर लेक रीजन, फिंगर लेक रीजन, और जब बात फिंगर की करते हैं तो अंगुली नुमा क्षेत्र, ठीक है ना। विनीत कुमार नमस्कार भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये दोस्तों फिंगर लाइक रीजन की बात करेंगे तो अंगुली नुमा क्षेत्र सीधे तौर पे पाया जाता है, सोचो सोचो कहां पाया जाता है, वो है आपका यही क्षेत्र माने अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। पांच झीलों का समूह है जैसे महान झील प्रदेश या अंगुली नुमा क्षेत्र के रूप में जानते हैं, मस्ती के साथ याद करते जाइए। अगला सवाल मैंने अंग्रेजी में लिखा हुआ है वो है कार्डामम, और जब बात कार्डामम की भैया जी करते हैं तो सीधे तौर पे गोकुल कुमार भैया जुड़ रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जब बात कार्डामम की करते हैं तो कार्डामम अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में कहते हैं इलायची, तो प्रश्न उठता है कि भारत में इलायची का क्या मतलब है। तो प्यारे से भैया भारत में जो इलायची की पहाड़ियां हैं वह सीधे तौर पे केरल राज्य में पाई जाती हैं, इस बात पे ध्यान रखेंगे। और यहां सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि प्यारे से भैया ध्यान से नोट करना है, बात कर रहे हैं इलायची की पहाड़ियों पर, इलायची की पहाड़ियों पर पाया जाने वाला जो महत्वपूर्ण दर्रा है, जो महत्वपूर्ण पास है, उसे हम कहते हैं सैनकोटा दर्रा। तो पेरिस भैया सैनकोटा दर्रा स्थित है कहां पर, कार्डामम हिल्स में, माने अगर हम यूं कहें कि नीलगिरी पहाड़ियों का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसे ही हम कहते हैं कार्डामम हिल, जो सीधे तौर पर पाई जाती है केरल राज्य में। इस बारीकी से बात को ध्यान से समझते जाइए। अगली बात मैंने लिखा है सह्याद्री पर्वतमाला, तो मैंने अभी बोला था इसकी डिक्लेरेशन मैंने अभी घोषणा कर दी, माने जानकारी दे दी है, सह्याद्री की पहाड़ियां सीधे तौर पे भैया दूसरा नाम है पश्चिमी घाट क्षेत्र का, माने पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री की पहाड़ियां। सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते जाइए। अगली बात करते हैं, लिखा है पुन्न मदा झील, कौन सी पुन्न मदा झील के रूप में क्या जानते हैं। तो प्यारे से भैया पुन्न मदा जो झील है वह सीधे तौर पे स्थित है भारत के केरल राज्य में, और दोस्तों जानना जरूरी है पुन्न मदा जो झील है उस झील का जो दूसरा नाम है प्यारे सुभैया, तो आपने इस बात को पढ़ा होगा, वो है बेम्बनाड झील, कौन सी बेम्बनाड झील का दूसरा नाम जो है वह पुन्न मदा झील है, इस बात पे गौर करेंगे। और विश्व का सबसे कठिन सवाल डिस्कस कर रहा हूं कि जो पुन्न मदा झील है जिसे बेम्बनाड झील के रूप में जानते हैं, भारत की सबसे लंबी झील है, इस बात पे गौर करेंगे। सवाल पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वह है पुन्न मदा झील। और यहाँ सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि ये जो झील है वह भारत का प्रमुख रामसर क्षेत्र है, इस बात पे गौर करेंगे। जब बात रामसर की आती है तो दलदली लेक की बात हो रही है, दलदली भूमि की बात हो रही है, मस्ती के साथ सेशन को ज्वाइन करना है। और जब बात केरल की बच्चों आ गई है तो ये कयाल झील का उदाहरण है, माने इस झील में छोटे छोटे कयाल पाए जाते हैं, तो कयाल झील का उदाहरण है। मस्ती के साथ सेशन को ज्वाइन करना है, लापरवाही नहीं दिखानी है। मिस्टर सोन भी आ चुके हैं, राम राम बेटा, राम राम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी है बेम्बनाड झील के बारे में। अगली बात हम लोग करते हैं वो है, अगला लिखा हुआ है गंगा नदी का नाम गंगा कहां पड़ता है। तो दोस्तों जानना जरूरी है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा की लंबाई 25-25 किलोमीटर है, गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है, गंगा भारत के पांच राज्यों से होकर के गुजरती है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और सबसे कम झारखंड से पेरिस भैया होकर के गुजरती है। बात गंगा की हो रही है, बात गंगा की करें तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी ग्लेशियर के गौमुख नामक हिमानी, माने गंगोत्री ग्लेशियर से पेरिस भैया निकलती है, और कहां पर, और बांग्लादेश में दोस्तों ये गिरते हुए सीधे तौर पे चापाकार डेल्टा बनाती है। कहां पर बनाती है दोस्तों जानना जरूरी है, वो है आपका बंगाल की खाड़ी में। तो यहां सबसे बड़ी बात जो सवाल था कि गंगा का नाम गंगा कहां पड़ता है, तो भैया सीधे तौर पे देवप्रयाग नामक स्थान है, कहां पर, उत्तराखंड में, और देवप्रयाग में प्यारे से भैया जी ये नाम पड़ता है गंगा का, माने अलकनंदा इधर से आती है, इधर से भागीरथी आती है, तो अलकनंदा भागीरथी मिलकर के सीधे तौर पे गंगा ना गंगा बनाती है, और गंगा पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, कहां पर, हरिद्वार में, और गंगा पहली बार प्रवेश करती है कहां, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, और गंगा यूपी से निकलती है कहां, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से निकलकर प्रवेश करती है बिहार में, और बिहार का जिला कौन सा होता है जहां प्रवेश करती है, वो है बक्सर जिला, इस बात पे गौर करेंगे। और यह वही गंगा नदी है जिसमें जिसका में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन मछली है जिसको सूस कहते हैं, वह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और आपको ये बात पता होगी कि 5 अक्टूबर निकल के गया है, और 5 अक्टूबर को पहली बार नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाया गया है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया गया है, इस बात पे गौर करेंगे। ये सारी जानकारी गंगा
करूंगा कि मैंने फास्ट ट्रैक दे दी है, बस रिवाइज कर रहा है, पढ़ते जाना है। कामयाबी हर हाल में कदम चूमेगी, पीछे मुड़ के मत देखना। आगे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको दिख रही है फुलहर झील, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बात फुलहर की करेंगे तो फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पड़ती है और ये वही फुलहर झील है जहां से गंगा की ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र में है, आंसर है गोमती नदी, और गोमती नदी यहीं से निकलती है, माने पीलीभीत जिले में स्थित प्यारे से भैया कहां से निकलती है, आपके फुलहर झील से। तो बच्चों इस बात पे गौर करेंगे, माने गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र में है, द आंसर विल बी गोमती नदी, इस बात पे गौर करेंगे। और गोमती नदी के किनारे स्थित है क्या, तो जो लखनऊ स्थित है, सुल्तानपुर स्थित है और जौनपुर स्थित है, इस बात पे गौर करेंगे। अगला शब्द मैंने लिखा है खंभात की खाड़ी, तो प्यारे से भैया खंभात की खाड़ी स्थित है कहां पर, गुजरात में स्थित है और आपको पता है पश्चिम की ओर बहने वाली महत्वपूर्ण नदियां जिसमें नर्मदा है, ताप्ती है, ये नदियां गिरती हैं कहां पर, साबरमती नदी गिरती है खंभात की खाड़ी में, इस बात पे गौर करेंगे। जब बात खंभात की खाड़ी की आती है तो खंभात की खाड़ी में दो महत्वपूर्ण द्वीप पाए जाते हैं, वो है आपका आलिया बेद और दूसरा होता है खालिया बेद। वो द्वीप जो है वो खंभात की खाड़ी में है, ज्वारीय ऊर्जा संपन्न क्षेत्र है, मैं बात कर रहा हूँ खंभात की खाड़ी की, तो पढ़ते जाइए निराश नहीं होंगे। जब बात नर्मदा नदी की आ गई है तो सवाल काफी एडवांस बनता है प्यारे सुभैया कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा के रूप में जानते हैं और ये वही नर्मदा नदी है जो कहाँ पर, आपके मध्य प्रदेश का जो जबलपुर जिला पड़ता है, जबलपुर से 20 किलोमीटर दूर भेड़ा घाट नामक स्थान पर ऊंचाई से नदी जब नीचे गिरती है तो बनाती है क्या, माने धुआंधार जलप्रपात बनाती है, भेड़ा घाट नामक स्थान पर धुआंधार जलप्रपात बनाती है यही नदी, मैं बात कर रहा हूँ सीधे तौर पे किसकी, सोचो सोचो भाई, मैं बात कर रहा हूँ नर्मदा नदी की। सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते जाइए। अगली बात दोस्तों लिखा है मालाबार तट, मैंने एक एक चीज डिकोड कर दी है लेकिन आगे बढ़ने से पहले नियम के हिसाब से एक मिनट का रेस्ट लेना चाहूंगा, पानी पीना है, काफी देर चिल्लाते हुए हो गया है, तो मस्तिष्क साइड ज्वाइन करिए। पहला सेक्शन मैंने फिनिश कर लिया है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, क्या बात है, आज तो सेक्शन ढेर सारे हैं, तो भैया थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर के, यह गला फाड़ रहे हैं इसलिए कि आपको कामयाबी मिले, तो आप भी मस्ती के साथ ज्वाइन करें सेशन को, शेयर वेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर करते जाइए, मैं आज पढ़ाने में बिजी हूँ, इस बात पे गौर करेंगे, तो पानी पीने का समय आ चुका है। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, ये जन्म हुआ किस व्यर्थ अहो, समझो इसमें ये व्यर्थ न हो, क्या बात, ठीक है, तो भैया चले बढ़ते हैं अगले पड़ाव पे, फटाफट करते हैं सेशन को ज्वाइन अच्छे तरीके से, एक लाइन मैंने फिनिश कर दिया है, ठीक है, ये समझता चौथी क्लास है पैट स्पेशल, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की मैं क्लास दे रहा हूँ, विश्वास मानिए जो भी 5-10 क्लास हो जाएंगे आप इसको देख लेंगे तो अंदर से काफी अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से इसकी जो डिटेल है मैं बहुत सारी बता रहा हूँ और आपके एग्जाम के लिए डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। भैया देखो लिखा हुआ है मालाबार तट, ठीक है, जब बात मालाबार तट की करते हैं तो भैया मालाबार तट का विस्तार कहाँ, केरल राज्य में है, इस बात पे गौर करेंगे। कल की मजेदार बात बताए, मैंने सवाल पूछा था मालाबार तट से कितने राज्य संबंधित हैं, माने मालाबार तट का विस्तार कितने राज्यों में है, तो जब मैंने बच्चों से पूछा था तो आप लोगों ने कमेंट किए थे कि सर 3 राज्य 4 राज्य 2 राज्य, अरे भैया काय को गलती करते हो, अगर बात ये भारत की करें तो यहाँ पर ये रहा आपका मालाबार तट, माने सीधे तौर पे मालाबार तट का विस्तार केवल एक ही राज्य में है, वो है आपका केरल, इस बात पे गौर करेंगे, ठीक है। तो अगली बात लिखा हुआ है कनारा तट, और जब बात कनारा तट की भैया जी करते हैं इसको कन्नड़ तट के रूप में जानते हैं और इसका विस्तार कहाँ पर है, कर्नाटक में है, माने केरल के ठीक ऊपर ये कर्नाटक वाला हिस्सा है,
कर्नाटक के किनारे का जो तट है वो सीधे तौर पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताई थी वो है आपका कन्नड़ तट, इस बात पे गौर करेंगे। आगे जो है लिखा दोस्तों कोरोमंडल तट, और जब बात कोरोमंडल तट की करते हैं तो कोरोमंडल तट का विस्तार दो राज्यों से है, इस बात पे गौर करेंगे। और दो राज्य कौन कौन से हैं भैया? कोरोमंडल ऊपर आते हैं, कोरोमंडल नीचे, तो इसका मतलब क्या है? नीचे आपका तमिलनाडु है, ऊपर आंध्र प्रदेश। तो कोरोमंडल तट का विस्तार दो राज्यों में, माने सीधे तौर पे तमिलनाडु और किसका, मैं बात कर रहा हूं आंध्र प्रदेश की। आगे लिखा है कुछ नदियां मैंने लिखी है किसके किनारे कौन सा स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी स्थित है, गोदावरी के किनारे राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है, और कावेरी के किनारे तिरुचिरापल्ली स्थित है, इस बात पे गौर करिए। ये तो मैंने सीधी सीधी जानकारी दे दी, कुछ जरूरी जानकारी शेयर करता हूँ। तो भैया गोमती नदी के बारे में तो मैंने विस्तार से अभी आपको बता ही दिया था, आसानी से आप समझ पाए होंगे। मैं बढ़ता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो भैया बिल्कुल सही बात है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है भैया जी वो तिब्बत में है, ठीक है। और जब बात तिब्बत की करेंगे तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट एक हिमनद पड़ता है, ग्लेशियर पड़ता है, जिसका नाम है चेम युंग डोंग हिमनद। कौन सा? चेम युंग डोंग हिमनद दोस्तों पड़ता है, और यहीं पर स्थित है आपकी उद्गम स्थल है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, इस बात पे गौर करेंगे, ठीक है। अगली बात हम लोग करते हैं, विकास सिंह भैया आ गए हैं, नमस्कार, स्वागत है। और बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ जब भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश से होकर के प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश के पास में ऊपर पड़ता है नामचा बरबा पर्वत, नामचा बरबा पर्वत के सहारे से प्रवेश करती है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी, और वहां पर इसका नाम हो जाता है दिहांग, DIHANG दिहांग के नाम से जानी जाती है। जैसे ही आगे बढ़ती है असम राज्य में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और ये यही ब्रह्मपुत्र नदी है जो सीधे तौर पे असम राज्य में बनाती है कौन सा, विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, माजुली के रूप में जानते हैं, MAJULI, माजुली जो है प्यारे सुभैया वो असम राज्य में द्वीप पड़ता है, ध्यान रखेंगे। जैसे ही आगे बहती है तो प्रवेश करती है कहां पर, सोचो सोचो, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और जब बात दोस्तों बांग्लादेश में करते हैं तो जैसे ही प्रवेश किया वैसी नाम हो जाता है जमुना, इस बात पे गौर करेंगे, माने ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना हो जाता है। एक सवाल बताना भूल गया, जब बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र के तो पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उत्पत्ति स्थान है, माने जहां से ये नदी निकलती है वहां से प्यारे सुभैया इसका नाम क्या होता है, वो है सांगपो नदी। क्या नाम होता है? ब्रह्मपुत्र का जो नाम है वह सांगपो के नाम से या सांपू के नाम से जानी जाती है, इस बात पे भैया गौर करेंगे, लापरवाही नहीं दिखाएंगे, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बात हो रही है ब्रह्मपुत्र नदी के, और जब बात बांग्लादेश की करते हैं तो बांग्लादेश में ऊपर से जैसी जमुना आती है वैसे ही भारत से होकर के बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली नदी है गंगा, और गंगा का बांग्लादेश में नाम होता है पद्मा, पद्मा जमुना जब मिलते हैं तो नाम आगे बढ़ते हुए लास्ट में जो नाम होता है वो है मेघना हो जाता है, माने मेघना के नाम से चापाकार डेल्टा बनाते हुए वो नदी गिरती है, इसलिए गंगा डेल्टा या सुंदरबन का डेल्टा, और आगे अगर हम बात करेंगे तो कौन सा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सीधे तौर पे जुड़ता है कहां पर, माने बंगाल की खाड़ी में, और सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इस बात पे गौर करेंगे। अगला सवाल तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, बात गोदावरी की करेंगे तो गोदावरी नदी सीधे तौर पे डेल्टा बनाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो कहां पर, महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक नामक स्थान से यह निकलती है, इस बात पे मन से पढ़ते जाइए। बात करते हैं राजमुंदरी, तो राजमुंदरी जगह पड़ती है कहां पर, आंध्र प्रदेश में पड़ती है, और आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी में कहां पर है, CTRI है, CTRI, और जब बात CTRI की भैया जी करते हैं तो क्या, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान के रूप में जानते हैं, इस बात पे बहुत अच्छे से तैयारी करते जाइए। आगे लिखा है कावेरी माने तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली जो नगर है वो तमिलनाडु में स्थित है, कावेरी नदी के किनारे भैया स्थित है, और जब बात करते हैं तिरुचिरापल्ली की तो केंद्रीय केला अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहां पर, तिरुचिरापल्ली में, इस बात पे गौर करेंगे। अगला बच्चों लिखा हुआ है 13 43 40 क्या है, 13 43 40
तो 13-43-40 भैया ये तकनीकी नाम है, और ये तकनीकी नाम किसका है जानना जरूरी है। तो भैया ये तकनीकी जो नाम है वह सीधे तौर पे है किसका, प्लूटो को, जिसको यम के रूप में जानते हैं। आपको पता है ब्रह्मांड में 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन जो 9वां ग्रह था यम अथवा प्लूटो अब ग्रह की श्रेणी में नहीं है, अब उसको बौना ग्रह के रूप में माने ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में शामिल किया गया है। माने 24 अगस्त 2006, बात को ध्यान से सुनिएगा, 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के शहर प्राग में अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ की मीटिंग हुई थी, और इसी मीटिंग में लिया गया ये निर्णय कि अब यम अथवा प्लूटो ग्रह नहीं होगा, क्योंकि ग्रहों की नई परिभाषा बताई गई। परिभाषा क्या थी, दो परिभाषाएं थी उसमें। पहली परिभाषा में ये पॉइंट शामिल किया गया कि कोई भी ग्रह उसे माना जाएगा जिसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक हो कि वह लगभग गोल अवस्था में दिखाई पड़े, एक शर्त। और दूसरी जो शर्त थी वो ये थी कि कोई भी जो ग्रह है वह किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को ना काटे। तो यम अथवा प्लूटो इस शर्त को पूरा नहीं कर रहा था, इसलिए उसको हमने बौने ग्रह के रूप में शामिल किया है और टेक्निकली नाम दे दिया है 13-43-40। बारीकी से बात को समझेंगे, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ की मीटिंग हुई थी। अगला दोस्तों लिखा हुआ है जीवाश्म ग्रह, और जब बात जीवाश्म बच्चों आती है तो सीधे तौर पे जीवाश्म माने फॉसिल प्लैनेट के रूप में जाना जाता है, और जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, तो बच्चों आंसर आता है, सोचो सोचो, चंद्रमा को कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो चंद्रमा है, इस बात पे गौर करेंगे, और उसको हम जीवाश्म ग्रह के रूप में जानते हैं। मस्ती के साथ पढ़ते जाइए। अगला दोस्तों लिखा हुआ है गोवा, और आपको पता है गोवा महत्वपूर्ण राज्य है भारत का, छोटा राज्य है, और पाश्चात्य सभ्यता देखने को मिलती है। आप देखते हैं कि वहां लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं, इंडिया के लोग प्लस बाहर के लोग भी आते हैं। जब बात गोवा की आती है तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत एक समान नागरिक सिविल संहिता इसी गोवा राज्य में लागू है। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है, और पणजी किस नदी के किनारे है, मांडवी नदी के किनारे है। और जब बात मांडवी की आती है तो भरत माने रामायण के भरत की पत्नी का नाम मांडवी हुआ करता था, इस बात पे गौर करेंगे। और जब बात आती है सीधे तौर पे गोवा राज्य की, तो इसी गोवा राज्य में भैया सलीम अली पक्षी विहार स्थित है, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, वो है आपका जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में है, इस बात पे गौर करेंगे। गोवा की बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना गोवा की जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है वो है आपकी ज्वारी नदी। कौन सी, ज्वारी नदी के रूप में इसको जाना जाता है। बहुत सुंदर बात लिखा हुआ है, सबसे बड़ा यूटी, तो सबसे बड़ा दोस्तों यूटी कौन सा है, यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी, और जब बात यूनियन टेरिटरी की करते हैं तो सीधे तौर पे भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, प्यारे से भैया वो है आपका लद्दाख। ठीक है, लद्दाख कब बना है ये दोस्तों जानना जरूरी है कि 31 अक्टूबर, ध्यान से समझने वाली बात है, 31 अक्टूबर 2019 को विभाजन हुआ था जम्मू कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक बना है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, दूसरा जो है बना है लद्दाख, इस बात पे गौर करेंगे। और ये वही लद्दाख है जहां से होकर के सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, इस बात पे गौर करेंगे। माने अगर हम यूं कहें कि लद्दाख का जो मुख्यालय है, जो उसको हम लेह कहते हैं, वो लेह कहां पर, सिंधु नदी के किनारे है, और सिंधु नदी का जो पुराना नाम है प्यारे भैया वो है आपका सिंध। और जब बात सिंधु की आ गई है तो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में जो सिंधु नदी को लेकर के समझौता हुआ था वह 1960 में हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे, जिसमें सिंधु और उसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों का जो जल है वह 80% प्रयोग करेगा कौन, पाकिस्तान, बाद बाकी 20% भारत प्रयोग करेगा। माने सिंधु जल समझौता, कहीं ना कहीं भारत अब इस समर्थन को, इस समझौते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उस समय भारत की आबादी कुछ और थी, आज हमारी आबादी कुछ और है, इसलिए हमें अब ज्यादा पानी चाहिए, इस बात पे गौर करेंगे। नंबर आ चुका है, बड़ा अच्छा सवाल है, कितने यूटी में हाई कोर्ट है, बड़ा अच्छा सवाल है, कितने, ध्यान से दोस्तों सुनना है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय है, कमेंट करके बताइए, अगर आप जानते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, जल्दी से बताइए। बहुत सुंदर प्रयास, अरे वाह, दीपक कुशवाहा आंसर दे रहे हैं, 4, बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और है मैदानी जंग में जो इस राइट प्रश्न का उत्तर दे पाए, बहुत बढ़िया, मैंने कहा है, ओके, प्रिया जैन बेटा कह रहे हैं 3, बहुत सुंदर प्रयास, ठीक है, तो राइट आंसर देने का समय आ चुका है। मैंने कहा है कितने केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय है, तो भैया जी पहला तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। आपको पता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना करी गई थी वो कब, वो करी गई थी 1966 में, तो दिल्ली पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसका हाईकोर्ट है। और दूसरा दोस्तों आंसर होगा वो है आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है,
तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय है, दिल्ली का पहला है। तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 2 ऐसे हाईकोर्ट हैं जिनके अपने केवल 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनके अपने हाईकोर्ट हैं। इस बात पर ध्यान रखेंगे, आंसर होगा 2। आप लोग गलती भरे उत्तर कोई 3 दे रहा है, विपन कह रहे हैं 3 और ना जाने क्या क्या उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और हाँ, यहाँ पर एक बात और मैं देखो स्लिप हो रहा दिमाग पे, 2 में एक चीज और जोड़ देंगे हम लोग, सॉरी मैंने गलत जानकारी दी, आपका चंडीगढ़ भी तो पड़ता है ना, तो चंडीगढ़ को शामिल करेंगे तो सीधे तौर पे 3 हो गए। इस बात पे गौर करेंगे क्योंकि वो भी तो अपना यूपी है ना। चलिए भाई कहाँ पे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और हाँ, आप बच्चों बात करेंगे जनगणना की, 2-3 बातें मैंने शामिल करी हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वह सीधे तौर पे दोस्तों आता है सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, वो है आपका माने 610,577। ये दोस्तों बिल्कुल सही बात है, माने 610,577 ये दोस्तों राइट आंसर है। इस बात पे गौर करेंगे, सिक्किम की बात कर रहे हैं। और अगली बात करेंगे, सबसे ज्यादा 19,98,00,000 के आसपास पड़ता है, वो है आपके कोई और राज्य नहीं है, हमारा अपना उत्तर प्रदेश है। निश्चित रूप से आबादी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, इस बात पे गौर करेंगे। यहाँ दोस्तों जानना जरूरी है, जब बात जनगणना की आती है तो जनगणना भैया सीधे तौर पे सोचो सोचो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मस्ती के साथ पढ़ते जा रहे हैं। और जब बात जनगणना की करेंगे तो भारत में जनगणना 10 वर्ष के बाद होती है और पहली बार जनगणना भारत में हुई थी, सोचो सोचो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, और व्यवस्थित जनगणना सीधे तौर पे लॉर्ड रिपन के समय 1881 में हुई थी। इस बात पे गौर करेंगे, मस्ती के साथ पढ़ते जाइए। वैसे 2022 चल रहा है, जनगणना के आंकड़े जल्दी से आने के हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। अगली बात दोस्तों लिखा हुआ है सीधे तौर पे, आर्टिकल 243 संविधान का अनुच्छेद 243 क्या कहता है? तो पेरिस भैया, आर्टिकल 243 में सीधे तौर पे जनगणना संबंधी कराए जाने के प्रावधान बनते हैं और जनगणना कराने की जिम्मेदारी सीधे तौर पे होम मिनिस्ट्री माने गृह मंत्रालय की आती है। इस बात पे गौर करेंगे। अगली बात दोस्तों लिखा हुआ है सदैव अटल, क्या लिखा है? सदैव अटल किसका समाधि स्थल है? दोस्तों आंसर आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और जब बात अटल बिहारी वाजपेयी जी की करें तो भारत के क्या रहे, सोचो सोचो भारत के प्रधानमंत्री रहे, और इनकी 2 महत्वपूर्ण विशेष रचनाएं वो हैं राजनीति की रपीली राहें और मेरी 51 कविताएं, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। अटल जी की बात कर रहा हूं, और अटल बिहारी जी की अगर हम बात करें तो सोचो सोचो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा दिया था वो सीधे तौर पे अटल जी ने दिया था। जब बात अटल जी की भैया जी करते हैं तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है उनका जन्मदिन, उनका बर्थडे मनाया जाता है, नेशनल गुड गवर्नेंस डे के रूप में, राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात अटल जी को अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है? तो पढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला दोस्तों लिखा हुआ है कर्म भूमि, माने कर्म भूमि किनका समाधि स्थल है? तो भारत के दोस्तों राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का जो समाधि स्थल है वो है कर्म भूमि। और जब बात शंकर दयाल शर्मा जी की करेंगे तो जब 73वां, 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था तो भारत के राष्ट्रपति के पद पे सुशोभित थे कौन? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इस बात पे गौर करेंगे। आगे दोस्तों लिखा हुआ है एकता स्थल, एक महत्वपूर्ण समाधि स्थल है, एकता स्थल से कौन संबंधित है? पेरिस भैया, ज्ञानी जैल सिंह संबंधित हैं, और ये वही ज्ञानी जैल सिंह जी हैं जो भारत के राष्ट्रपति रहे, माने भारत के पहले सिख राष्ट्रपति रहे हैं ज्ञानी जैल सिंह। इस बात पे गौर करेंगे। अगला दोस्तों लिखा हुआ है समता स्थल, समाधि स्थल है, समता स्थल किसका है? तो आंसर आता है बाबू जगजीवन राम। और बात जगजीवन राम जी की करें तो पूछा गया है बाबू जी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो बाबू जगजीवन राम के रूप में जाने जाते थे, और इनकी बेटी कौन? श्रीमती मीरा कुमार की अगर हम बात करें वो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्षा थी। इस बात पे गौर करेंगे। और बात लोकसभा अध्यक्ष की करेंगे तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसे हम स्पीकर के रूप में जानते हैं। इस बात पे गौर करेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पेरिस भैया 25 ईयर होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। इस बात पे गौर करेंगे, मस्ती के साथ पढ़ते जाएंगे। प्रश्न कठिन सा पूछ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं आपसे। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? कमेंट करके बताइए। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? वेटिंग फॉर रेस्पॉन्स। क्या बात है, अच्छे सवाल पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। देख लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन, एक क्वेश्चन लेता हूं, एक दो क्वेश्चन बीच में लेने का। ओके, प्रिया जैन बेटा सबसे पहले अच्छा उत्तर दे रहे हैं,
प्यारे सुभैया, लोकसभा अध्यक्ष को कोई भी शपथ नहीं दिलाता है, वो सामान्य सदस्य के रूप में, सामान्य लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं, इस बात पे गौर करेंगे। अगली बात दोस्तों करते हैं, लिखा हुआ है नारायण घाट किसका समाधि स्थल है। तो प्यारे सुभैया, जो नारायण घाट समाधि स्थल है वह सीधे तौर पर गुलजारी लाल नंदा जी का है, और गुलजारी लाल नंदा जी भारत के क्या प्रधानमंत्री रहे, इस बात पे गौर करेंगे। बहुत सुंदर माही बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगली बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, महाप्रयाण घाट एक इंपॉर्टेंट समाधि स्थल है, महाप्रयाण घाट। प्यारे सुभैया, ये जो है कहां पर है, ये जो है ये किसका समाधि स्थल है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। ये बात पता ही होगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्यारे सुभैया भारत के पहले राष्ट्रपति रहे, और इन्होंने एक विशेष आश्रम जिसको सदाकत आश्रम कहते हैं, बिहार में इन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना करी, इस बात पे गौर करेंगे। ये जानना जरूरी है प्यारे सुभैया, 1947 में जब कांग्रेस का त्रिपुरी संकट उत्पन्न हुआ था, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, उस समय जब पद खाली हो गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का, तो सीधे तौर पे शेष कार्यकाल के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जी बने थे क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, इस बात पे गौर करेंगे। और यही सवाल जानना जरूरी है, जब बात संविधान सभा की आती है तो संविधान सभा, सोचो सोचो, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाना जाता है, और उनसे पहले बने थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इस बात पे गौर करेंगे। और ये होगी बड़ी जरूरी बात, तो बेस्ट ऑफ लक पढ़ते जाइए, हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला दोस्तों लिखा हुआ है राजघाट, और जब बात करते हैं राजघाट की, तो सीधे तौर पे समाधि स्थल है महात्मा गांधी जी का, जिन्हें हम भारत का राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। और राष्ट्रपिता शब्द सबसे पहले किसने कहा था, वो थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, इस बात पे गौर करिए। अगला सवाल लिखा हुआ है शांतिवन, माने शांतिवन किसका समाधि स्थल है। प्यारे से भैया आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यही पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जिनकी महत्वपूर्ण किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माने इंपॉर्टेंट बात चल रही है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पेरिस भैया उनकी किताब है। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री को हिंदी में कहा जाता है विश्व इतिहास की झलक, ये महत्वपूर्ण किताब किसकी है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। और ये बात तो आपको पता ही होगी, 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले कोई और नहीं थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इस बात पे आपको गौर करना है। अगली बात दोस्तों करते हैं, लिखा है विजय घाट किसका समाधि स्थल है। दोस्तों आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। छोटी सी कद काठी के व्यक्ति, गरीबों के नेता के रूप में जाने जाने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी की जो जयंती है, अभी हाल ही में हमने 2 अक्टूबर को मनाई है, इस बात पे गौर करेंगे। और जब बात आती है पेरिस भैया लाल बहादुर शास्त्री जी के, गुड मॉर्निंग रूबी कुमारी बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जब बात आती है लाल बहादुर शास्त्री जी के, तो इन्हीं के नाम पर स्थापित है मसूरी उत्तराखंड में, जहां IAS अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, वो कोई और नहीं है लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी के रूप में जाना जाता है, और सीधे तौर पे शॉर्ट में कहते हैं लबासना। तो बेस्ट ऑफ लक पढ़ते जाइए निश्चित रूप से, लेकिन रुकिए, अभी अधूरी बात बताई है, पूरी बात अब करता हूँ। दोस्तों जब बात लाल बहादुर शास्त्री जी की आती है, तो सीधे तौर पे उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का नारा दिया था। पेरिस भैया जब उन्होंने ये नारा 1965 में जब दिया ना, तो सीधे तौर पे जय जवान जब कह दिया, तो सीधे तौर पे भारत ने पाकिस्तान को हरा करके उसे धूल चटाई थी, और 1965 का युद्ध सीधे तौर पे भारत ने जीता था केवल प्रधानमंत्री जी के ये कह देने से जय जवान। और जब बात आती है जय किसान की, तो दोस्तों आपको पता है कि अगले ही वर्ष 1967 में भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी, और जैसे ही उन्होंने कहा कि जय किसान, तो आपको पता होगी भारत में हरित क्रांति सीधे तौर पे पूरी तरीके से सफल रही, हर किसान कटिबद्ध होकर के जुड़ गया भारत के फसल के विकास में। और प्यारे से भैया आपको पता है कि भारत में हरित क्रांति पूरी तरीके से सफल रही, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमारे भारत ने बहुत बड़े बड़े कष्ट झेले हैं, अब उस कष्ट का दूर करने का समय आ चुका है, आप शिक्षा के दम पे अपने आप को बेहतर बनाइए, सरकारी सिस्टम का अंग बनाएंगे। प्यारे से भैया विश्वास मानिए तो मैं कोई रोकने वाला नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, तो प्यारे से भैया लिखा हुआ है प्यारे से भैया चैत्रा भूमि, जब बात लिखा है चैत्रा भूमि, तो चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है। पेरिस भैया आंसर होगा सीधे तौर पे भीमराव अंबेडकर, और मुंबई में स्थित है उनका समाधि स्थल,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। और जब बात दोस्तों अंबेडकर जी की करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के मऊ क्षेत्र में हुआ था, इस बात पे गौर करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको पता होगी, संविधान सभा के अंतर्गत बनने वाली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसको हम प्रारूप समिति के रूप में जानते हैं, और प्रारूप समिति में टोटल कितने 7 सदस्य थे। लेकिन सावधान रहना, इन 7 सदस्यों में सीधे तौर पे जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो शामिल थे। कई बार आप गलत कर देते हैं और सवाल पूछ लिया जाता है कि अध्यक्ष के अलावा प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, आंसर विल बी 6, क्योंकि 6+1 माने कौन से थे, आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, टोटल 7 सदस्य थे। और संविधान का प्रारूप तैयार करने में सबसे बड़ी भूमिका पैरिस भैया जो बनाई थी वो अम्बेडकर जी की थी, क्योंकि ड्राफ्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अम्बेडकर जी के पीछे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसने संविधान को ड्राफ्ट करने में बड़ी भूमिका निभाई वो कोई और नहीं थे, वो थे बीएन राव माने बेनेगल नरसिंह राव। ये वही बीएन राव हैं जिनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाना जाता है। मस्ती के साथ पढ़ते जाएंगे और बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले बात पे दोस्तों। लिखा हुआ है वीरभूमि, और वीरभूमि किसका समाधि स्थल है दोस्तों, राजीव गांधी जी का समाधि स्थल है। ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखना, कंप्यूटर को भारत में सबसे पहले बढ़ावा देने का जो श्रेय जाता है वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जाता है, क्योंकि कंप्यूटर साक्षरता मिशन सीधे तौर पर भारत में लाने का श्रेय राजीव गांधी जी को जाता है। कई बार वर्तमान की सरकारें आरोप लगाती हैं पिछले 70 से 80 साल में भारत में क्या हुआ, स्टडी करेंगे तो सीधे तौर पर पता लगेगा बहुत कुछ हुआ है। भारत ने बहुत सारे संघर्ष झेले हैं पिछले 70 सालों में। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया है, जो सरकार जब भी थी उसने अपने स्तर से बेहतर किया है, ये भी आप मान के चलिए। हम ये बात राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित होकर के नहीं कह रहे हैं, एक अध्यापक के रूप में रिसर्च अनुसंधान के आधार पे मैं इस बात को कह रहा हूं, आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। बहुत सुंदर पढ़ते जाएंगे बच्चों। लिखा हुआ है किसान घाट, इंपॉर्टेंट बात, किसान घाट किसका समाधि स्थल है, पैरिस भैया मस्ती के साथ पढ़ते जाएंगे। और किसान घाट चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है जो भारत के प्रधानमंत्री रहे। बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। आगे दोस्तों लिखा है शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल, मस्तिष्क साथ पढ़ेंगे। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल, पैरिस भैया दोस्तों जानना जरूरी है कि सीधे तौर पे इंदिरा गांधी इज द राइट आंसर। ये वही इंदिरा गांधी जी हैं जब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदल के जब हुआ था बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में पहली बार मान्यता प्रदान करने का श्रेय भारत को जाता है। और भारत की प्रधानमंत्री थी कौन, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी के प्रयासों से माने इंदिरा गांधी ने सबसे पहले बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्रदान करी थी, इस बात पे गौर करेंगे। और वही इंदिरा गांधी है प्यारे दोस्तों जिनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। ये वही इंदिरा गांधी प्यारे दोस्तों जो पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, माने प्रमुख पर्यावरणविद थी, इस बात पे गौर करेंगे। मैं इंदिरा गांधी जी की बात कर रहा हूं। अगला दोस्तों लिखा हुआ है अभय घाट, ठीक है। अभय घाट किसका समाधि स्थल है, आंसर आता है मोरार जी देसाई। मोस्ट इंपोर्टेंट बात चल रही है, मस्ती के साथ पढ़ते जाएंगे। और जब बात आ गई है मोरारजी देसाई जी की, तो प्यारे दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, इस बात पे गौर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली 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 बताते हुए बड़ा खुश हो रहा हूं कि हमने इस लाइव क्लास के 2 पड़ाव पूरे कर लिए हैं। पहली टेबल फिनिश हो चुकी है, दूसरी टेबल फिनिश हो चुकी है, तो 1 मिनट का लेते हैं रेस्ट, इसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे इस वाले सेक्शन पे। और आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फुल फॉर्म के रूप में मैं बहुत कुछ आपको बताना जा रहा हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट का गैप है, उसके बाद फिर हम लोग पानी वानी पीते हैं। आप लाइन से बने रहिए, आप डिस्कनेक्ट मत हो जाना, बस पानी वानी पी सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मस्ती के साथ पढ़ते जाएंगे, मस्ती के साथ पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए प्यारे दोस्तों पानी वानी हो चुका है,
अब समय आ चुका है अगले पड़ाव पे पहुंचने का, और अगला पड़ाव काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 घंटे क्लास होगी निश्चित रूप से, 12:30 पे क्लास फिनिश होगी, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ। और हाँ, रात को 9 बजे भी लाइव क्लास होगी, भारतीय संविधान की स्पेशल क्लास, मस्ती के साथ पढ़ते जाना है। ठीक है, नर हो न निराश करो मन को। चलिए बच्चों पढ़ते हैं अगली बात पे। लिखा हुआ है NIOT। ठीक है, जब बात दोस्तों NIOT की करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, माने राष्ट्रीय समुद्र तकनीकी संस्थान कहां पर पड़ता है? राष्ट्रीय समुद्र तकनीकी संस्थान बच्चों पड़ता है चेन्नई में, इस बात पे गौर करेंगे। ठीक है, और बात जब आती है दोस्तों, यहीं से मिला जुला एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, शायद मैं अच्छा यहां लिख दिया है, कोई बात नहीं। और चलो एक काम करते हैं, यहां से बच्चों एक सेकंड, यहां से नहीं चालू करते, ठीक है, इसको यहां से चालू करते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने इसको यहां लिखा था, इसके बाद मैंने यहां लिखा था, तो यहां से नहीं, यहां से चालू करते हैं। ठीक है, तो सीरियल से आराम से डिफाइन करते जाएंगे, ये दोनों जो भाग है ना वो एक ही बात है, मैं सबसे पहले इसको डिफाइन करता हूं। ठीक है, तो बच्चों लिखा हुआ है HYB, जब बात HYB की आती है तो हाई यील्डिंग वैरायटीज, अधिक उन्नत किस्म की फसलें। तो प्रश्न उठता है, हाई यील्डिंग वैरायटीज, अधिक उन्नत किस्म की फसलों का मतलब क्या है? तो प्यारे से भैया, इसका सीधा संबंध है हरित क्रांति से। हरित क्रांति में हाई यील्डिंग वैरायटीज किस्मों की जो फसल थी, जो बीज थे, उनका प्रयोग किया गया, जिससे भारत में उत्पादन बढ़ा। तो बात कर रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के। अगली बात करते हैं बच्चों, लिखा हुआ है FSSAI, बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है। और जब बात करते हैं FSSAI के, तो फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के रूप में जानते हैं। बच्चों मुख्यालय नई दिल्ली में है, और रीता तेवतिया जी इसकी चेयरमैन है, प्रमुख है, इस बात पे गौर करेंगे। अब प्रश्न बनता है कि जो संगठन है माने FSSAI करता क्या है? तो प्यारे से भैया, जो डिब्बा बंद भोजन होता है, फूड होता है, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, जो भी आप पैक्ड फूड खाते हैं, उस पे एक्सपायरी डेट लगाने का काम, गुणवत्ता निर्धारित करने का काम FSSAI का होता है। मैं रिपीट करता हूं, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, विश्वास मानिए ये क्लास आपके सिलेक्शन का आधार बनेगी। अगला दोस्तों लिखा हुआ है ODF, और ODF का मैंने आपको बताया है ओपन डेफिकेशन फ्री। क्या लिखा है? ओपन डेफिकेशन फ्री के रूप में बात करी है प्यारे सुभैया। और जब बात ओपन डेफिकेशन की करेंगे तो खुले में शौच मुक्त, माने भारत का पहला ODF राज्य सिक्किम है, और इसका उद्देश्य इस प्रकार से था कि भारत में लोटा परेड कोई भी ना करे, खुले में शौच करने कोई ना जाए, इस बात पे गौर करेंगे। आगे बच्चों लिखा है SBM, और जब बात SBM की करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन, ये वही स्वच्छ भारत मिशन है जो 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था, 2019 तक चला। इसका उद्देश्य था भारत में आम जनता को, आम जनमानस को जागरूक करना। कमल किशोर नमस्कार भैया, जय हिंद। आम जनता को इस प्रकार के लिए प्रेरित करना कि स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए SBM इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखना, SBM का जो लोगो है, उस लोगो में एक तरफ लिखा है स्वच्छता, दूसरी तरफ लिखा है एक तरफ लिखा है स्वच्छ, उधर लिखा है भारत, और गांधी जी का चश्मा है। बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। अगली बात दोस्तों करेंगे, अगर बात SBM की, तो अगला टर्म आता है MN। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं, स्वच्छ भारत मिशन की टैग लाइन क्या है, इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए काम आएगी। बच्चों बात हम लोग कर रहे हैं SBM, स्वच्छ भारत मिशन की टैग लाइन थी एक कदम स्वच्छता की ओर। क्या था? एक कदम स्वच्छता की ओर उसकी टैग लाइन थी SBM की, इस बात पे बच्चों गौर करेंगे। अगला लिखा है MNP, और MNP का मतलब है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। आपको पता है कि किसी भी कंपनी का मोबाइल नंबर यूज करते हैं, आप उस नंबर को बिना बदले आप सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को बदल सकते हैं, ये MNP सुविधा प्राप्त है, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। एग्जाम में आए तो धज्जियां उड़ा देना। अगला सवाल हम लोग आ चुके हैं नेफा पे, और जब बात नेफा की पेरिस भैया करेंगे, तो सीधे तौर पे अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा पड़ता है। जब बात अरुणाचल प्रदेश की भैया आ गई है, तो नेफा का मतलब है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। कुछ बच्चे ए का मतलब एरिया बताते हैं, जो कि गलत है,
माने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी माने उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेफा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा। अंग्रेजों के जमाने में यही समय यही नाम निर्धारित था, अरुणाचल प्रदेश तो बाद में हुआ था। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बच्चों लिखा हुआ है NWFA, तो ध्यान रखें नेफा का ठीक उल्टा NWFA होता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि N का मतलब N, F का मतलब F, A का मतलब F, A का मतलब A, लेकिन E का मतलब यहाँ उल्टा W किया गया है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है भैया जी कि ईस्ट का उल्टा होता है वेस्ट, माने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के रूप में भैया जाना जाता है। और जब बात NWFA की करते हैं तो ये वाला हिस्सा सीधे तौर पर मैं चित्र के माध्यम से बताता हूं, ये वाला। तो बच्चों अरुणाचल प्रदेश वाला जो ये हिस्सा है इसको तो कहते हैं नेफा, और इसका अपोजिट पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं NWFA। तो जो उससे जानना जरूरी है, NWFA हमारे उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र का जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जिसको सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है, जिसको फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है, पेरिस भैया, सीधे तौर पर जो है खान अब्दुल गफ्फार खान साहब थे, वो इसी क्षेत्र के थे और गांधी विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इन्होंने खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती आंदोलन चलाया, ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, मैं फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान की बात कर रहा हूं। और ध्यान रखना बादशाह खान के रूप में किसको जाना जाता है, प्यारे से भैया, बादशाह खान के रूप में जाना जाता था, सोचो किसे, इन्हें ही जाना जाता था, बात कर रहे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान के। और विश्व का सबसे कठिन सवाल डिस्कस कर रहा हूं कि 1987 में पेरिस भैया इनको दिया गया था भारत रत्न, ध्यान रखेंगे, और पहले ऐसे विदेशी बने जिनको भारत रत्न दिया गया, वो कोई और नहीं थे, वो हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब थे, इस बात पे गौर करेंगे, ठीक है। नंबर आ चुका है अगला, आयुष का, AYUSH की बात कर रहे हैं। और आयुष दोस्तों मंत्रालय है जो सीधे तौर पे बना था कब, 2014 में बना था, 2014 में पेरिस भैया बना था आयुष मंत्रालय। और जब बात आयुष की प्यारे दोस्तों करेंगे तो सीधे तौर पे विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों पे आधारित है आयुष, और आयुष का मतलब है आयुर्वेदा योगा, योगा की बात शब्द छुपा हुआ है वो है नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा होम्योपैथी के रूप में जाना जाता है, इस बात पे गौर करेंगे। मैं बात कर रहा हूं सीधे तौर पे आयुष की, जो मंत्रालय है अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां हैं। जब बात आती है ए फॉर आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय आयुर्वेदा संस्थान कहाँ पर है, बच्चों आंसर होगा जयपुर, कहाँ, राजस्थान में है, इस बात पे गौर करेंगे। जब बात करते हैं आयुष की बात, योगा की बात करेंगे, तो सीधे तौर पे मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा कहां पर है, बच्चों नई दिल्ली में, इस बात पे गौर करेंगे। नेचुरोपैथी चिकित्सा पद्धति, इस बात पे गौर करेंगे। और बात आती है कहां, होम्योपैथी के, तो होम्योपैथी माने भारतीय होम्योपैथी संस्थान कहां पर है, वो है आपका कलकत्ता में। और होम्योपैथी के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, वो है हमारे सैमुअल हैनीमैन साहब को माना जाता है, और इनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है 10 अप्रैल को, और 10 अप्रैल को पेरिस भैया मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। ध्यान रखेंगे मीठी मीठी गोलियां होती हैं, और कई खतरनाक बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज होम्योपैथी पद्धति में किया जाता है, गौर करेंगे। अगला सवाल दोस्तों आ गया है CDRI, और जब बात CDRI की करते हैं तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, मस्ती के साथ पढ़ेंगे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है पेरिस भैया, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाता है आपका, और नई दिल्ली में स्थित है, इस बात पे गौर करेंगे। अगला सवाल नीरी लिखा हुआ है, और जब बात नीरी की करते हैं तो नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पेरिस भैया, नीरी कहां पड़ता है, नीरी भैया जी पड़ता है आपका, सोचो सोचो, नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कारकों के विरुद्ध ये रिपोर्ट जारी करता है, नीरी को अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगली बात दोस्तों करते हैं, लिखा हुआ है EMS, और बात EMS की करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस के रूप में जाना जाता है। आप देखते हैं कई बार रेलवे में या कभी या डाक विभाग में जब आप अपनी रजिस्ट्री करने जाते हैं, स्पीड पोस्ट करने जाते हैं, तो उस पर लिखा होता है EMS, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस, माने तेजी से आपकी जो पोस्ट आदि है वो जहां पहुंचानी होती है वहां पोस्ट पहुंचाता है, तो EMS को ध्यान रखेंगे।
अगला बच्चों लिखा हुआ है एटीएम, जनरल शब्द है। एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड, बच्चे गलत कर देते हैं, ऑटोमेटेड टी के बाद ई डी लिखा जाता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन के रूप में जाना जाता है। बात एटीएम की करेंगे तो 1969 माने 1969 में एटीएम की खोज हुई थी और मिस्टर जॉन सेफर्ड फादर ऑफ एटीएम, माने ध्यान रखने वाली बात है कि एटीएम के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, जॉन सेफर्ड को माना जाता है, इस बात पे गौर करेंगे। और बात एटीएम की करें तो ये कहलाता है डेबिट कार्ड और एक होता है क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को मिला करके हम कह सकते हैं क्या प्लास्टिक मनी। तो पूछा जाता है इकोनॉमी की क्लास में प्लास्टिक मनी किसको कहते हैं, एटीएम को कहते हैं। थोड़ा सा गौर करेंगे, सवाल लिखा हुआ है सिटी, और जब बात सिटी की करेंगे तो प्यारे दोस्तों चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग होता है सिटी, और जब बात सिटी की करेंगे तो सीधे तौर पे आपका कंप्यूटेड टोमोग्राफी के रूप में इसका प्रयोग होता है, इस बात पे गौर करेंगे। अगला लिखा हुआ है एमआरआई, और आपको पता है कि एमआरआई पूरे बॉडी का होता है जिसमें बॉडी पूरी लेटे हुए किसी मशीन में जाती है, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है एमआरआई का पूरा नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखने वाली बात है। अगला दोस्तों लिखा है एनसीईआरटी, एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन, महत्वपूर्ण संगठन। जब बात एनसीईआरटी की करेंगे तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के रूप में इसको जाना जाता है, एनसीईआरटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी की स्थापना हुई है 1961 में, 1961 में इसकी स्थापना हुई, और सीधे तौर पे इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, वो नई दिल्ली में है, इस बात पे गौर करेंगे। अगला दोस्तों लिखा है एचआरडी, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। बात दोस्तों जब एचआरडी की करते हैं तो एचआरडी का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, माने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में एचआरडी को जाना जाता है। पर ध्यान रखना दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ समय पहले एचआरडी का जो नया नाम कर दिया गया है वो है शिक्षा मंत्रालय, इस बात पे गौर करिए। अगला दोस्तों लिखा हुआ है एनआईओ, और जब बात एनआईओ की करते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसिनोग्राफी के रूप में जानते हैं, माने राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के रूप में जाना जाता है, जो कहां पर है, पणजी गोवा में है, इस बात पे गौर करेंगे। अगला शब्द आ चुका है एनआईओटी, और जब बात एनआईओटी की करेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, माने राष्ट्रीय समुद्र तकनीकी संस्थान के रूप में जाना जाता है, जो चेन्नई तमिलनाडु में है, इस बात पे गौर करेंगे। अगला दोस्तों बात करते हैं एमएसपी, और एमएसपी की बात करेंगे तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की बात करते हैं, माने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है केंद्र सरकार अलग अलग फसलों का, माने उस निर्धारित जो राशि है उस राशि से सस्ता कोई नहीं खरीद सकता है, ना ही कोई बेच सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे एमएसपी का निर्धारण केंद्रीय कृषि कीमत लागत आयोग करता है सीधे तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा। अगला शब्द इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है इसरो, और जब बात इसरो की करते हैं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं। मुख्यालय कहां पर है पेरिस भैया, वो है आपका बेंगलोर कर्नाटक में। भारतीय स्पेस माने अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के रूप में जानते हैं, मुख्यालय जो है वो आपका बेंगलोर कर्नाटक में है, और स्थापना जो हुई थी वह 15 अगस्त 1969 को हुई। कब हुई, 15 अगस्त देश को जब आजादी जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तो माने 15 अगस्त 1969 को पेरिस भैया इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। और हाल ही में इसरो के अध्यक्ष बने हैं मिस्टर एस सोमनाथ जी। करंट का क्वेश्चन तैयार हो रहा है, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते जाइए। अगली बात दोस्तों, इतने सारे बच्चे जुड़े हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, रात को ठीक 9 बजे आज संविधान स्पेशल क्लास होगी, रात को ठीक 9 बजे लाइव आऊंगा, 2 से 2.5 से 3 घंटे की क्लास होगी, तो मस्ती के साथ पढ़ते जाना है संविधान स्पेशल क्लास रात को ठीक 9 बजे। अगला लिखा है दोस्तों डीएनए, और जब बात डीएनए की करते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए ध्यान रखना कोशिका का महत्वपूर्ण एक अंग होता है, मैं डीएनए की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर डीएनए की बात करूं, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा अलग कर लिया जाए तो उसे हम जीन के रूप में कहते हैं, और जीन की खोज मिस्टर जॉनसन ने करी थी। जब बात जीन की आ गई है पेरिस भैया, तो ध्यान रखेंगे ये जीन वही है जो सीधे तौर पे जो गुण होते हैं माता पिता के वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। और एक सवाल बनता है कि भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्होंने प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन का निर्माण किया, उसके लिए 1968 में 1968 में उन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया, पेरिस बच्चों कोई और नहीं है, वो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इस बात पे गौर करेंगे।
अगला दोस्तों लिखा हुआ है डीपी, और डीपी का मतलब आप लोग फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो भी आप व्हाट्सएप यूज करते हैं उसमें आप अपने डीपी को बदलते हैं, तो डीपी का मतलब है डिस्प्ले पिक्चर। इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, लोगों को नहीं पता होती है। डिस्प्ले पिक्चर माने जो डिस्प्ले पिक्चर आप दिखा रहे हैं उसको डीपी शॉर्ट में कहते हैं। लिखा हुआ है आईएएस, और जब बात आईएएस की दोस्तों करेंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रूप में जानते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में जानते हैं, और जब बात आईएएस की बच्चों आती है इसका सीधा संबंध है यूपीएससी से, और जब बात यूपीएससी की करेंगे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आईएएस की परीक्षा वर्ष में एक बार ऑर्गेनाइज कराई जाती है, इस बात पे गौर करेंगे। बात करते हैं पीसीएस की, तो पैरिस भैया पीसीएस का मतलब प्रोविंशियल सिविल सर्विस के रूप में होता है। यदि आप एसडीएम बनना चाहते हैं, यदि आप राज्य में प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपको पीसीएस की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। हर राज्य का अलग अलग जो है लोक सेवा आयोग होता है, इस बात पे गौर करेंगे। अगला लिखा है दोस्तों एएमसी, इंपॉर्टेंट टर्म है, और एएमसी का संबंध सीधे तौर पर फाइनेंस वित्तीय व्यवस्था से जुड़ता है। और बात एएमसी की करें तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसको कहा जाता है, माने जो दुनिया से मतलब है कि भारत में कई सारे म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं, वो म्यूचुअल फंड हाउस जो ऑपरेट होते हैं, जो कंपनी है वो एएमसी कहलाती है, जो सीधे तौर पे सेबी द्वारा रजिस्टर्ड होती है। बात सेबी की करें तो सिक्योरिटी एक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, महत्वपूर्ण भारत का संगठन जो शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड पर लगाम लगाने का काम करती है, मैं बात सेबी की कर रहा हूं। और सेबी की स्थापना 19 अप्रैल 1988 में हुई थी, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा या यूं कहना चाहिए सांविधिक दर्जा जो दिया गया था वो सीधे तौर पे 1992 में दिया गया, इस बात पे ध्यान रखेंगे। मैं बात सेबी की कर रहा हूं, और जब बात सेबी की करते हैं तो अजय त्यागी हुआ करते थे इसके अध्यक्ष, और इस समय पहली माने सेबी की पहली, करंट का सवाल बनके तैयार है, सेबी की पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी है? माधवी पुरी बुच जी बनी है सेबी की पहली महिला अध्यक्षा, इस बात पे गौर करेंगे। सेबी मैंने निपटा दिया है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सेबी बना था, इस बात पे गौर करेंगे। माने भारतीय प्रत्याभूति विनिमय बोर्ड की बात कर रहा हूं, माने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मस्ती के साथ पढ़ते जाइए। अगला शब्द है दोस्तों एमफी, और जब बात एमफी की करते हैं तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, भारत में है कहां? मुंबई में। और ये संगठन सीधे तौर पे म्यूचुअल फंड हाउस जो कंपनियां हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है, इस बात पे गौर करेंगे। अगला लिखा है जीएसटी, और जब बात जीएसटी की करते हैं तो सीधे तौर पे जो प्रावधान है, सबसे पहले जीएसटी विश्व के फ्रांस में लागू हुआ था, और जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है, माने वस्तु एवं सेवा कर के रूप में। जब बात भारत की आती है तो हमारे उस समय हुआ करते थे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के प्रयासों से जब लागू हुआ भारत में 1 जुलाई 2017 को, तो इसी वजह से जीएसटी की अगर हम बात करें तो जीएसटी दिवस मनाया जाता है भारत में कब? 1 जुलाई को, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला दोस्तों लिखा हुआ है बीसीजी, बीसीजी इंपॉर्टेंट टर्म है, और बीसीजी का मतलब है बैसिलस कैलामेट ग्यूरिन के रूप में जाना जाता है। बच्चों को बीसीजी का टीका लगाया जाता है जिससे संक्रमण आदि बच सके और बीमारियां उनको ना हो, इसलिए बीसीजी बैसिलस कैलामेट ग्यूरिन के रूप में इसको जाना जाता है। अगली बात दोस्तों करते हैं, लिखा हुआ है डीपीटी, तो डीपीटी का टीका बच्चों में लगाया जाता है, इसका मतलब होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस के रूप में जाना जाता है। डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस के रूप में इसको जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है दोस्तों बीएमआई, और जब बात बीएमआई की करते हैं तो मतलब है इसका बॉडी मास इंडेक्स। ध्यान रखेंगे जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी लंबाई के हिसाब से, उसके उम्र के हिसाब से एक पैमाना तय होता है कितना वजन होना चाहिए, वो सारा का सारा जो स्टडी होता है वो बीएमआई माने बॉडी मास इंडेक्स के रूप में जाना जाता है, गौर करेंगे। अगला लिखा है दोस्तों सीबीआई, और जब बात सीबीआई की करते हैं तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के रूप में जानते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के रूप में जाना जाता है। जब बात सीबीआई की करते हैं तो सीबीआई का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। और प्रश्न बड़ा अच्छा बनता है कि सीबीआई की स्थापना कब हुई है? वो है 1 अप्रैल 1963, माने 1 अप्रैल 1963 को पैरिस भैया हुई थी सीबीआई की स्थापना, ध्यान रखेंगे। यहां सबसे जो जरूरी बात निकल के आती है पैरिस भैया भूया है, वो सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने आरोप लगाया था सीबीआई के ऊपर कि सीबीआई जो है वो पिंजड़े का तोता है, माने केंद्र सरकार जिसकी जांच चाहे सीबीआई से करा सकती है, जिससे चाहे नहीं करा सकती है, तो पिंजड़े के तोते के समान सीबीआई है,
माने सीबीआई अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं देती है, इस प्रकार की तल्ख टिप्पणी करी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, तो बात को गौर से करेंगे। अगला दोस्तों, फेमस एक टर्म है वो है कोविड-19। कोविड-19 का पूरा नाम क्या है, मैंने कई बार बताया भी है, तो कोरोना वायरस डिजीज। कोविड का मतलब है कोरोना, वीआई वायरस, डी माने डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज, सामने लिखा 19 माने 2019, माने कोविड 2019 में आया था और कैसा हाहाकार मचा प्यारे दोस्तों पूरी दुनिया में, हम सभी लोगों ने देखा था। विश्वास मानिए कोविड के बाद आपका पैसा कितना नुकसान हुआ, कितना बर्बाद हुआ, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है आप कम से कम कोविड के बाद जिंदा हैं, और अगर जिंदा हैं तो विश्वास मानिए चीजें बहुत अच्छी होंगी। फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं, हम लोगों ने तीसरा, माने दोनों कंबाइंड ही थे ये, तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है पूरी तरीके से। ये क्लास जो है अब आधे से ज्यादा सिस्टम पे शिफ्ट होने जा रही है, तो तीसरा पड़ाव फिनिश है। एक मिनट का रेस्ट लेना चाहूंगा, पानी पीऊंगा थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सौरभ भैया जुड़ रहे हैं, नमस्कार। विपिन साक्या भैया कह रहे हैं पानी वानी पी लो, बिल्कुल सही बात, पानी जरूर पियेंगे। बहुत मेहनत पड़ती है दोस्तों, जब पढ़ाने बैठते हैं ना फिर टेंशन नहीं होती, लेकिन जब क्लास के बाद जब थोड़ा सा बैठते हैं फिर एकदम से आलस, थोड़ा आलस आ जाता है, वीकनेस ही आती है, तो पानी भारी पीते रहते हैं जिससे क्या है ना थोड़ा बॉडी रिलैक्स एक होती रहे, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बड़ी जरूरी होती है। अब मेन चीज़ बच्चों क्या है ना कि जब लाइव आते हैं तो पूरा कमरा बंद करना पड़ता है और पंखा चला नहीं सकते हैं, क्योंकि जो है हवा आती है, पंखा चलेगा तो आवाज़ आएगी, सरसराहट की आवाज़, आप लोग कहेंगे सर आवाज़ सही नहीं आ रही है, तो पूरा कमरा पैक है, बाल गोपाल बाहर है, अंदर वो नहीं आ सकते जब तक हमारी लाइव क्लास है, तो ये सारी चीज़ें, फैमिली मेम्बर का कोऑपरेशन होता है, तो ये सब बातें। कल मैडम भी लाइव आई थी, आप लोगों ने देखा, मैडम ने लताड़ लगा दी, एक दो बच्चे थे बोले सर बंद करो बंद करो, मैडम ने कहा नहीं, तो सारे बच्चे फिर से जुड़ गए तो ये सारी बात है। तो विपेशा क्या, थैंक यू पानी के लिए, बस पीता हूँ पानी। चलिए भाई पढ़ते जाइए मस्ती के साथ, निश्चित रूप से इतिहास बनेगा आपके सिलेक्शन का और आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ पहुंच गए हैं, अच्छा यूपी। हाँ बच्चों, ये एक छोटा सा विचार था, हालांकि मैं बता दूं आपको कि पैट स्पेशल मैं पूरा यूपी अलग से लेके आऊंगा, दो ढाई घंटे की क्लास पूरी हम यूपी लाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने यूपी के अलग रखे हुए हैं, तो एक आइडिया मिल जाएगा आपको, फिर जब अगली क्लास में आएंगे तो आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आज तो संविधान स्पेशल क्लास रात को 9 बजे है, अगली क्लास कल परसों, कल कोशिश करेंगे छुट्टी नहीं करेंगे, तो उसमें आपकी 2 घंटे की स्पेशल क्लास यूपी स्पेशल ही लगा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, मैं पहले थोड़ा देख लूँ आज की क्लास। चलो भाई इंतजार खत्म हो गया आप लोगों का, बच्चे एक बात को, मैं भी इस बात को समझता हूँ, आप लोग लाइव जुड़ते हैं, आपका नेट खर्च होता है पढ़ने के लिए, आप भी देखो ऐसी बात नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, आप भी अपना एक जो है अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस है, नहीं तो आप देखिए अचानक से मैं लाइव आया हूँ, इतने सारे बच्चे जुड़े हैं, आप भी अपना संसाधन खर्च करते हैं, तो मेरे को भी अंदर से लगता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक दी जाए, जिससे कि आपके वो संसाधन का यूटिलाइज हो, माने उपलब्ध संसाधनों का भरपूर प्रयोग कर सकें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, यूपी की बात करें तो हम लोग निश्चित रूप से अगर हम बात करें यूपी से ही क्लास हो रही है आपकी लाइव क्लास, बच्चों ओल्ड नेम क्या है, तो यूपी का पुराना नाम जो है यूनाइटेड प्रोविंस के रूप में जाना जाता है, संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता है यूपी का पुराना नाम, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बता दो, संविधान सभा में, ठीक है, संविधान सभा में सबसे ज्यादा जो सदस्य हैं वो यूपी से हुआ करते थे, संयुक्त प्रांत से थे, इस बात पे गौर करिए, ठीक है। अगली बात बच्चों, लिखा हुआ है ये नाम जो बना था यूनाइटेड प्रोविंस से जो नाम बदल के यूपी हुआ था, ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था, इस बात पे गौर करिए दोस्तों, जानना जरूरी है। यूपी का जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी को होता है, और 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ है 2017 से, वर्तमान सीएम साहब हमारे कौन से, योगी आदित्यनाथ, माने योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से 2017 में प्यारे से भैया ये दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, तारीख ध्यान रखेंगे 24 जनवरी की बात कर रहा हूं। अगला बच्चों ध्यान रखेंगे, यहां पर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है, तो स्टेट लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ध्यान रखेंगे 1947 से तो पेरिस बच्चों हिंदी निर्धारित थी, लेकिन बाद में 1989
माने 1989 से अगर हम बात करें, 1989 से उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा जो है वो उर्दू निर्धारित कर दी गई, इस बात पे गौर करेंगे। आपको पता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, वो बारहसिंगा है, जिसको स्टैग एसटीएजी के रूप में जानते हैं। बारहसिंगा जो है वो क्या है, राजकीय पशु है। अगली बात, पक्षी कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राज पक्षी जिसको हम सारस के रूप में जानते हैं, जिसको CRAN क्रेन के रूप में जानते हैं, और उसी को हम कहते हैं क्रौच। क्या कहते हैं, क्रौच, उत्तर प्रदेश का राज की पक्षी है, इस बात पे गौर करिए। अगला सवाल आता है वृक्ष, तो वृक्ष क्या है, तो उत्तर प्रदेश का जो राज वृक्ष है वो है आपका अशोक, इस बात पे गौर करें। अगला लिखा है दोस्तों पुष्प, माने जो राजकीय पुष्प है वो क्या है, पैरिश भैया पलाश है, और पलाश को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे टेसू के फूल के रूप में जाना जाता है, इस बात पे गौर करेंगे। और इसका निर्धारण जो है वो क्या कब से किया गया था, 4 जनवरी 2011 में, ठीक है ना, 4 जनवरी 2011 में इसका निर्धारण किया गया, बात पलाश की हो रही है, और इसे ही हम टेसू के फूल। और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट जानकारी है कि जंगल की आग, ठीक है ना, जंगल की आग किसे कहते हैं, तो बच्चों ध्यान रखेंगे पलाश के ही कहते हैं, पलाश के फूल को ही कहते हैं, क्योंकि कुछ रेडिश कलर सा होता है, दूर से देखने में कुछ ऐसा लगता है कि फायर माने आग जैसी जल रही है, तो जंगल की आग इसे ही कहते हैं, ठीक है। जंगल की आग से याद आ गया इंपॉर्टेंट बात, आतंकवादी पौधा किसे कहते हैं, तो पैरिस भैया आतंकवादी पौधा टेररिस्ट प्लांट कहते हैं, किसको, यूकेलिप्टस को कहते हैं, इस बात पे ध्यान रखें, लंबा सा पेड़ होता है। अगला बच्चों लिखा है राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह दोस्तों आपको पता है कि एक व्रत होता है, उसमें धनुष बाण होते हैं और दो मछलियां होती हैं, तो वही बात लिखा है, एक व्रत में दो मछलियां होती हैं और एक धनुष बाण तीर धनुष होते हैं, और इसका निर्धारण जो किया गया था वो 1938 में किया गया, माने उत्तर प्रदेश का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है वो 1938 में प्रस्तावित हुआ। इंपॉर्टेंट बात चल रही है, पैट स्पेशल एग्जाम में सवाल आना है। अगला बच्चों लिखा है द्विसदनात्मक, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की जो पद्धति है वह द्विसदनात्मक है, और द्विसदनात्मक की बात करें तो आपको पता है कि विधानसभा अलग है, विधान परिषद अलग है, बहुत सी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इस बात पे गौर करेंगे, माने यूपी में विधान परिषद है, और ये ध्यान रखना कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद हैं, इस बात पे गौर करिए। अगला बच्चों लिखा है लोकसभा, माने ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश से जो लोकसभा सीटें आए हैं वो कितनी हैं, वो 80 निर्धारित हैं, और अगली बात करें तो राज्यसभा, और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 31 माने 31 हैं, इस बात पे गौर करेंगे। जब बात यूपी की आ गई है तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्य कितने चुने जाते हैं, वो है पैरिस भैया 403 चुने जाते हैं। ये ध्यान रखना एक व्यक्ति जो एंग्लो इंडियन समुदाय का होता था, आंग्ल भारतीय समुदाय का होता था, पैरिस भैया वो अब समाप्त कर दिया गया है, माने 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में और 1 सदस्य जो नामित होता था राज्यपाल के द्वारा, वो एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, इस बात को भी ध्यान से समझना है। तो मैं बात कर रहा था विधानसभा की, तो विधानसभा सदस्य यूपी में कितने हैं, 403, और दूसरा सदन जिसको उच्च सदन कहते हैं, जिसका नाम क्या है, विधान परिषद, और विधान परिषद सदस्य संख्या जो है वो यूपी की कितनी है, वो है 100, माने 100 संख्या निर्धारित है, इस बात पे बहुत मन से आप पढ़ते जाएंगे, ठीक है। और विधान परिषद की बात करें तो उसको हम उच्च सदन के रूप में कहते हैं, कभी विघटित नहीं होता, इस बात पे गौर करिए। विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, और विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है, इस बात पे गौर करेंगे। राज्य का सीएम बनने के लिए विधानसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, अर्थात विधान परिषद का सदस्य भी बन सकता है। क्या बन सकता है, सीधे तौर पे भाई सीएम बन सकता है। शिवम भैया कह रहे चरण स्पर्श लल्ला खुश रहो, विजयी भव, सिलेक्ट भव। अगली बात बच्चों करते हैं, ये मैंने सारी बातें कर ली हैं, पैरिस भैया छोटा सेक्शन था, तो यूपी माने ये वाला जो पड़ाव है वो हमने फाइनली पूरा कर लिया है। छोटा सेशन दिया है यूपी का, मैं यूपी का स्पेशल बड़ा सेशन लेकर के आऊंगा, पूरा बोर्ड भरूंगा, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान, महत्वपूर्ण संस्थान, यूपी स्पेशल जितना भी कुछ हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि यूपी स्पेशल कम से कम 2 से 3 क्लास तो बन ही जाएंगी, 2-2 घंटे के, तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो समय बर्बाद नहीं करते, लगे लगे इसको भी निपटा लेते हैं, ज्यादा समय क्यों खींचा जाए, वैसे भी हाँ काफी कितना हो गया क्लास को, चलो ठीक है, ठीक है। तो फटाफट इस सेक्शन को भी जल्दी से निपटा लेते हैं। बच्चों लिखा हुआ है जीएमसी, जब बात जीएमसी की करते हैं प्यारे से भैया, तो जीएमसी का मतलब है
कांटी मोहन चंद्र बाली होगी। पैरस भैया, भारत के पहले दलित लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी को कहा जाता है गांटी मोहन चंद्र बाली होगी, भारत के पहले दलित लोकसभा अध्यक्ष। अगली बात करते हैं तो ये वही दोस्तों लोकसभा स्पीकर हैं जिनका निधन विमान दुर्घटना में हुआ। मैंने कल परसों की लाइव क्लास में बताया था तो गांटी मोहन चंद्र बाली होगी का निधन विमान दुर्घटना में हो गया था, इस बात पे गौर करिए। अगला बच्चों लिखा है जीबी मावलंकर, और जीबी मावलंकर की बात करेंगे सीधे तौर पर गणेश वासुदेव मावलंकर, ये भारत के पहले दलित, ध्यान रखना भारत के पहले दलित लोकसभा अध्यक्ष थे। सॉरी बच्चों कुछ गलत किया, मैं बात कर रहा हूँ जीबी मावलंकर की। तो जीबी मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, और सवाल पूछा जाता है कि ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया लेकिन पारित ना हो सका, बच्चों आंसर आता है जीबी मावलंकर। अगली बात करते हैं, लिखा हुआ है 123 माने अनुच्छेद 123 में क्या है। तो प्यारे भैया आर्टिकल 123 के अंतर्गत बात आती है राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश की बात करी जाती है, मैं ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अचानक से ऐसी स्थिति बनी है, लोकसभा भंग है, संसद काम नहीं कर रही है, उस केस में अचानक से अगर किसी कानून की जरूरत है तो राष्ट्रपति को अधिकार है, वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, मैं ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूँ। अगला दोस्तों लिखा है 129 संविधान का अनुच्छेद 129 इस बात का प्रावधान करता है अभिलेख न्यायालय, जिसको हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करते हैं, ठीक है। और बात आती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की, पहले से भैया तो ध्यान रखिए कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मामले में अपना अंतिम निर्णय दे दिया है तो उस निर्णय को आधार मान के निचली अदालतें निर्णय सुना सकती हैं, या ये भी ध्यान रखें कि निचली अदालतों ने यदि उस निर्णय को नहीं माना तो न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाएगा, माना जाएगा। तो बात 129 में हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करते हैं, इस बात पे गौर करिए। अगला शब्द आ गया है 127, और 127 में दोस्तों तदर्थ न्यायाधीश की बात करी गई है, एड हॉक जज की बात करी गई है। और जब बात एड हॉक जज की करते हैं प्यारे भैया, तो सीधे तौर पे ये व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं थी, ये हमने व्यवस्था अपनाई है फ्रांस के संविधान से, एड हॉक जज की व्यवस्था को लिया गया है। जब बात फ्रांस की करते हैं तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इस बात पे गौर करेंगे। अब आती है बात कि तदर्थ न्यायाधीश जिसको एडहॉक जज बोलते हैं, आखिर इनका महत्व क्या है। तो पेरिस भैया, कई बार आप ऐसा सुनते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या में कमी होती है, माने नीचे से मामले हाईकोर्ट से बहुत पहुंच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहां काम ज्यादा है, वहां अतिरिक्त न्यायाधीश की आवश्यकता है। तो उस केस में राष्ट्रपति के सहयोग से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मदद से सीधे तौर पे अलग अलग उच्च न्यायालयों से कुछ समय के लिए तदर्थ न्यायाधीशों को अपॉइंट कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। और ध्यान रखना, उन तदर्थ न्यायाधीशों को जब तक वो इस पद पर रहेंगे उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन भत्ते और सभी सुविधाएं दी जाएंगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। मैं एडहॉक जज की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 127 के अंतर्गत बात चल रही है। अगला बच्चों आ गया है, लिखा है क्या लिखा है, बी आर मेहता। तो प्यारे से भैया, अगर हम बी आर मेहता की बात करेंगे तो सीधे तौर पे बलवंत राय मेहता, ये वही बलवंत राय मेहता है प्यारे से भैया, इनकी अध्यक्षता में समिति बनी थी, कमेटी बनी थी, और इस समिति ने भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करी और सीधे तौर पर वो लागू भी हुई। तो पूछा जाता है कि भारत में आजादी के बाद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है, मिस्टर बी आर मेहता को माना जाता है। तो 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बी आर मेहता साहब ने करी थी, इस बात पे बच्चों गौर करेंगे। और यहीं पर अशोक मेहता समिति जो बनी थी उसने 2 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करी थी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। जब बात पंचायत की भैया आ रही है तो ध्यान रखने वाली बात है संविधान का अनुच्छेद 40 सीधे तौर पे क्या कहता है, पंचायत के गठन का प्रावधान करता है। और संविधान की 11वीं अनुसूची जो सीधे तौर पे जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, तो पेरिस भैया 92 में 73वां संविधान संशोधन 92 में हुआ, 93 में लागू हुआ। तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी उसके अंतर्गत पंचायतों को कानूनी दर्जा, संवैधानिक दर्जा दिया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। पंचायत का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है, इस बात पे गौर करेंगे। और पंचायत का प्रधान बनने की न्यूनतम आयु जो है वह 21 वर्ष निर्धारित है, लगे रहिए अपनी तैयारी में। अगला दोस्तों लिखा है कुंची कला, ठीक है।
तो बच्चों कुंची कला जो जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी हाइट 455 मीटर है, वराही नदी पर स्थित है। बात कर्नाटक की हो रही है तो कर्नाटक में स्थित है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंची कला जलप्रपात। पढ़ते जाइए मस्ती के साथ। लिखा हुआ है 40.97 किलोमीटर, आखिर क्या है? तो पेरिस भैया, भारत और बांग्लादेश के मध्य की जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है वो 40.97 किलोमीटर है, इस बात पे गौर करेंगे। बांग्लादेश के 5 पड़ोसी भारतीय राज्य हैं और बहुत सारी जानकारी कल की लाइव क्लास में मैंने दे दी थी, वहां से आप सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला दोस्तों लिखा है कि 7 लोकसभा सीटें किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो प्यारे से भैया, हमारे यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग लोकसभा सीटें हैं। तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कहाँ, 7 लोकसभा सीटें हैं कहाँ पर? दिल्ली में है, इस बात पे ध्यान रखेंगे तो दिल्ली इज द राइट आंसर। अगला बच्चों लिखा है 8 अक्टूबर माने आज इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है, अभी मैंने बताया था, रिपीट कर देता हूँ, 8 अक्टूबर माने आज दोस्तों मनाया जा रहा है भारतीय वायुसेना दिवस। 90 नंबर का है, पहली बार दिल्ली से बाहर, वैसे तो एनसीआर क्षेत्र माने हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में पड़ता है, वहां पर बड़े कार्यक्रम होते थे और हवाई जहाज माने फाइटर जेट प्लेन आसमान में उड़ते नजर आते थे, वायुसेना के पायलट अपना कौशल प्रदर्शन करते हुए नजर आते थे हिंडन क्षेत्र में। लेकिन इस बार नया रिकॉर्ड बन रहा है कि आज जो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है 90 नंबर का, वो दिल्ली से बाहर माने कहां, चंडीगढ़ में सेलिब्रेट हो रहा है और वहां पर दोस्तों सुखना झील पड़ती है। सुखना झील के आसमान में जो है शाम को फ्लाई मास्ट होगा, ये लगभग होगा 2:45 के आसपास, तो वहां पर भारत के राष्ट्रपति महोदया और आपके प्रधानमंत्री जी और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो वहां पर रहेंगे। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, बड़ी भारत के गौरव की बात है, आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। और बात भारतीय वायुसेना की बच्चों करेंगे तो जानना जरूरी है सीधे तौर पे कि आज माने 8 अक्टूबर 1932 में स्थापना हुई थी जो है इंडियन एयरफोर्स की, तब से रॉयल एयरफोर्स के रूप में जाना जाता था, जब देश आजाद हो गया तो रॉयल हट गया, इंडियन जुड़ गया, इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहे हैं। और ध्यान रखेंगे भारतीय वायुसेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख के रूप में किसको जाना जाता है, एयर चीफ मार्शल को जाना जाता है, और वर्तमान में हमारे एयर चीफ मार्शल साहब जो हैं वो वीआर चौधरी हैं, इस बात पे गौर करेंगे। हर हाल में यहाँ से एग्जाम में सवाल आना है। और अगली बात दोस्तों लिखी है, अंतिम बात आज के सेशन पे हम लोग आ चुके हैं, लिखा है 8848.86 मीटर, क्या है? तो पेरिस भैया आपको पता ही होगी 8848.86 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की हाइट है, जो सीधे तौर पे काठमांडू नेपाल में स्थित है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो उसका सबसे ऊंचा जो शिखर है वो 8848.86 मीटर, मैं बात माउंट एवरेस्ट की कर रहा हूँ। यहाँ जानना जरूरी है कि माउंट एवरेस्ट पे आधारित एक महत्वपूर्ण किताब माने एवरेस्ट की बेटी नामक किताब किसकी है, अरुणमा सिन्हा की है। कल मैंने वीडियो बना के डाला था चैनल पे और कम से कम समय वायरल हो गया, बहुत सारे लोगों ने उसको देख लिया। तो एवरेस्ट की बेटी नामक किताब अरुणमा सिन्हा जी की है। ये भारत की पहली ऐसी अपंग महिला जो न केवल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी बल्कि अलग अलग महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं उन पे फतेह हासिल कर चुकी हैं, इस बात पे गौर करेंगे। जब बात माउंट एवरेस्ट की आती है तो दोस्तों पर्वतों का अध्ययन, ध्यान रखने वाली बात है, पर्वतों का अध्ययन करते हैं ऑरोग्राफी में, ऑरोलॉजी में अध्ययन करते हैं, ये जरूरी बात। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हो रही है वो यह है कि सागर माथा नेपाली नाम है माउंट एवरेस्ट का, और तिब्बती नाम जो माउंट एवरेस्ट का वो क्या है, वो कामो लागमा है, इस बात पे गौर करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया तरीके से पढ़ते जाना है, हताश निराश नहीं होंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों फाइनली इतना ही रखते हैं, मिलते हैं रात को 9:00 लाइव क्लास, संविधान स्पेशल होगी। एक छोटा सा प्रयास कटिबद्धता के साथ कि मैं आपके साथ कंधा से कंधा मिला के, उत्कर्ष विजन आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है, विश्वास मानिए आपकी जय होगी, आपकी विजय होगी, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं रात को 9:00 की लाइव क्लास में, मस्ती के साथ पढ़ते जाइए, ठीक है? तो चलिए, ढेर सारे बच्चे जुड़े, थैंक यू प्रिया जैन बेटा, वेलकम, बहुत बढ़िया थी क्लास, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। विपिन भैया नमस्कार, ओके गजब। रवि दिलीप कुमार कठेरिया भैया जुड़ रहे हैं, गजब, थैंक यू। आर एन कुशवाहा भैया कह रहे हैं ओके, और इसके अलावा शिवम भैया कह रहे हैं साफ नहीं दिख रहा है, साफ तो दिख रहा है, बच्चे तो वैसे जुड़ रहे हैं। चलो ठीक है बच्चों, तो फाइनली क्लास इतना ही रखते हैं भाई, मज़ा आया,
और अब आराम करूंगा। देखो भाई 2-3 घंटे आराम करूंगा, थक चुका हूँ। आराम करके खाना, आज तो खाना वाना ना पता है, सुबह लेट उठा था, फिर दूध लेने चला गया, तब तक टाइम हो गया, रात में जो है कुछ स्टडी करता रहा था आप लोगों के लिए। तो फिर क्या हुआ कि अभी खाना पीना, चाय वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, केवल पानी से काम चल रहा है। तो आप जो है नहाएंगे, खाना खाएंगे, पहले चाय पियेंगे, फिर चीज़ें सारी होंगी, ठीक है। तो खैर, थैंक यू, जय हिंद। रात को ठीक 9 बजे मुझे आपका मस्ती के साथ इंतजार रहेगा।